वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जयंती होती है। पौराणिक काल के सबसे बड़ी सिविल इंजीनियर माने जाते थे विश्वकर्मा, इसलिए आज जब भी इनकी पूजा होती है तो घर में रखे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान औजार की पूजा की जाती है। कहा जाता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उन सब में विश्वकर्मा विद्वान हैं। इनकी पूजा करने से इलेक्ट्रॉनिक सामान औजार पूरे साल अच्छा चलता है। विश्वकर्मा जयंती के साथ ही पद्म एकादशी भी पड़ रही है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर वास्तुकार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही हर युग में शहरों की रचना की। भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका, जगन्नाथपुरी का निर्माण करवाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा भगवान ने ही भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र तैयार किया था। इसलिए सभी इंजीनियर, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग विश्वकर्मा को भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कलयुग का संबंध कलपुर्जों से माना जाता है। आज के युग में कलपुर्जे का प्रयोग हर शख्स कर रहा है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना हम सबके लिए बेहद लाभदायी माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त। 17 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:07 से 18 सितंबर शनिवार को 3:36 तक पूजन कर सकते हैं। केवल राहु काल के समय पूजा निषिद्ध मानी गई है। 17 सितंबर को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक रहेगा, बाकी समय पूजा का योग रहेगा। विश्वकर्मा पूजा का मंत्र: ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कुमई नमः, ओम अनंतमय नमः, पृथ्वीये नमः। इस पूजा में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहला, विश्वकर्मा पूजा करने वाले सभी लोगों को इस दिन अपने कारखाने, फैक्ट्री बंद रखनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी मशीनें, उपकरणों, औजारों की पूजा करने से घर में बरकत होती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन तामसिक भोजन यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने रोजगार में वृद्धि के लिए गरीब असहाय लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। अपने बिजली उपकरणों, गाड़ी की सफाई भी करें। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।